मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर राज्य के प्रभारी मंत्रियों ने अपने प्रभार वाले जिले में कोरोना से बचाव और रोकथाम के कार्यों की समीक्षा की। आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मंत्रियों ने जिला कलेक्टर और जिले के अधिकारियों से फीडबैक लिया। लगातार यहां प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, प्रतिबद्ध है, अपनी जनता को कोरोना के संक्रमण की जो गंभीरता है उसे बचाने के लिए और जागरूक करने के लिए भी। इसी क्रम में मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश दिया गया कि तमाम जो जिले हैं उनके प्रभारी मंत्रियों के द्वारा अपने अपने जिला प्रभार क्षेत्रों को यहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी समीक्षा बैठक ली जाए। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने प्रभार जिले में कलेक्टर और तमाम आला अधिकारियों के साथ में एसपी की मौजूदगी में यहां पर समीक्षा बैठक की। बैठक में तमाम वो सवाल किए गए, जानकारी यहां पर जुटाई गई। चलिए इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए जैसलमेर बाड़मेर से प्रभारी जिला मंत्री बीडी कल्ला जी मेरे साथ में इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बीडी कल्ला जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। सर, आपसे जानना चाहूंगी जिस प्रकार से प्रदेश में जो कोरोना है उसके संक्रमण का दायरा जिस प्रकार से बढ़ रहा है, लेकिन प्रशासन और सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, इसी के चलते जो धरातल है उससे जानकारी जुटाने के लिए आपने वीडियो कॉन्फ्रेंस की, तो क्या वो मुख्य बिंदु निकल कर आए इसमें से? देखिए, बाड़मेर और जैसलमेर में कोरोना का संक्रमण करीब करीब रोक दिया गया है जी। बाड़मेर में तो जो जयपुर से एक प्रिंसिपल साहिबान आए थे जी, वो सैंपलिंग के दौरान संक्रमित पाए गए थे, तो उनका इलाज करके वो ठीक हो गए जी। इसके अलावा बराबर बाड़मेर के मेडिकल कॉलेज में प्रारंभ कर दी गई है, जैसलमेर और बाड़मेर के सैंपल वहीं जांच हो रहे हैं जी। इसके अतिरिक्त जैसलमेर में बाहर से काफी लोग आए थे, वो भी ठीक होके चले गए, और जो पर्यटक वहाँ थे उनको भी एम्बेसी के माध्यम से अलग अलग स्थानों पर रवाना कर दिया गया, और जब तक वो वहाँ रहे उनके खाने पीने की व्यवस्था वगैरह सब सरकार के और जिला प्रशासन के द्वारा की गई, और किसी भी प्रकार से कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। बिल्कुल। जो मध्य प्रदेश के कुछ मजदूर वगैरह आए हुए थे, खेती और मजदूर, वो पैदल रवाना हो गए थे अभी परसों के वक्त में, 150 व्यक्ति बालोतरा में, उनको जैसे ही मेरे को पता लगा जी, मैंने वहाँ जिला प्रशासन के लोगों से बात की, उनको धर्मशाला में ठहरा कर उनके भोजन वगैरह की व्यवस्था की गई, और मध्य प्रदेश के अधिकारियों से बातचीत करके उनको कैसे क्या, यदि वो परमिशन देते हैं तो उनको रवाना करने की बात थी जी। तो कहने का मतलब ये है कि राजस्थान में खास तौर से बाड़मेर और जैसलमेर में जो है कोरोना वायरस के संक्रमण को काफी अच्छी स्थिति में रोका गया है जी, जी। और वहाँ पर जितने भी बाहर से जो लोग आए उनको होम क्वारंटाइन में रखा हुआ है जी, और वहाँ पर सारी स्थिति कुल मिलाकर के नियंत्रण में। मनरेगा के मजदूर दोनों जगह पे अच्छे काम कर रहे हैं, निजी क्षेत्र के काम कर रहे हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के नाड़ी और जो अपने सड़क के काम भी शुरू किए जा रहे हैं। मंडियां खुल गई थी और मंडियों में अभी कुछ काम भी जो एक तरह से मिनिमम प्राइस जो एक सपोर्ट प्राइस जिसको कहते हैं उसके ऊपर काफी लोगों से अनाज वगैरह खरीदा गया है, और ये काम जो अनुमत उद्योग है उनको भी शुरू कर दिया गया है जिनकी स्वीकृति सरकार ने दे दी, और जो दुकानें सरकार ने खोलनी अनुमत की हुई है वो भी दुकानें वगैरह जो है, जैसे परचून की दुकान, दवाई की दुकान, फ्रिज और पंखे, मैकेनिक्स की कई दुकानें, ये सब चीजें जो है रोड साइड के कुछ ढाबे, ये सब शुरू कर दिए गए हैं जी। जी जी, तमाम बातचीत के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बीडी कल्ला जी को सुन रहे थे आप, किस प्रकार से यहाँ पर धरातल से जानकारी जुटाई गई है उनके जिला प्रभार क्षेत्र बाड़मेर और जैसलमेर में, ये तमाम जानकारी देते हुए।
टोंक सवाईमाधोपुर जिले के प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना का फीडबैक लिया। जूली ने पहले सवाईमाधोपुर और फिर टोंक जिले के अधिकारियों के साथ में चर्चा की। वर्तमान में कोरोना वायरस और सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों का फीडबैक इस दौरान उनके द्वारा लिया गया। इसी के साथ ही जिले में गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल आपूर्ति की भी समीक्षा की गई। कोरोना की महामारी के चलते मनरेगा के तहत लोगों को दिए जा रहे रोजगार के कार्यों के संबंध में यहां पर चर्चा की गई। मंत्री जूली ने मनरेगा में अधिक से अधिक श्रमिकों को रोजगार दिए जाने के निर्देश दिए हैं। चलिए इसी खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए टोंक सवाईमाधोपुर से जिले प्रभारी टीकाराम जूली जी मेरे साथ में इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। टीकाराम जी, आपका बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। जी आपसे जानना चाहूंगी, जिस प्रकार से प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, तो सवाईमाधोपुर और टोंक आपकी निगरानी में है, किस प्रकार से आने वाले दिनों के लिए यहाँ पर रणनीति बनाई गई और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए क्या जानकारी आपके द्वारा जुटाई गई और आने वाले समयों के लिए किस प्रकार से निर्देश दिए गए? देखिए, जिस प्रकार से मैं पहले सवाईमाधोपुर की बात करूं तो सवाईमाधोपुर में ज्यादा केस नहीं आए हैं और आज की तारीख में हम बात करें तो सिर्फ एक केस वहां पे पॉजिटिव है। वहां पे मुख्य बात यह है कि लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो, इस चीज का मुख्य ध्यान रखा गया है। और साथ के साथ जो दैनिक जरूरत की चीजें हैं, चिकित्सा, राशन, सब्जी, ऐसी चीजों के लिए लोगों को परेशान नहीं होना पड़े। जी जी, ये सभी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ क्योंकि अब जिस प्रकार से श्रमिकों का पलायन हुआ है, लोग बाहर से वापस अपने घरों में लौटे हैं, जी, काम की एक बड़ी समस्या सब लोगों के सामने आ रही है, तो इसमें ये निर्देश दिए गए हैं कि नरेगा के अंदर अधिक से अधिक लोगों को जोड़े, जिनके जॉब कार्ड नहीं बने उनके जॉब कार्ड बनाए जाए और जो भी व्यक्ति काम मांगता है उसको तुरंत काम दिए जाए और जहाँ नरेगा के कार्य चल रहे हैं वहां पे सारी सुविधाएं, उनकी सोशल डिस्टेंसिंग, वहां पे साबुन, वहां पे साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए वहां पे काम कराया जाए। जी टीकाराम जी, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी, सवाईमाधोपुर में तो यहाँ पॉजिटिव हो कि खुदा की वजह से संख्या काफी कम है, लेकिन जो टोंक जिला है काफी ज्यादा केसेस वहां से लगातार सामने आ रहे हैं और आए दिन पुलिस कर्मियों पर भी यहाँ पर हमले की घटनाएं देखने को मिल रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, टोंक के अंदर भी अगर हम आज की बात करें तो बहुत कम, लगभग 3 लोग ऐसे हैं जो हम वहां पे पॉजिटिव मान सकते हैं, बाकी लगभग नेगेटिव जांच आ चुकी है, फाइनल जांच आनी बाकी है। जी, और इस पूरे दौरान शुरू में एक जरूर घटना हुई थी, लेकिन उसके बाद की हम बात करें तो आज पूरे जिले के अंदर शांति है और वहां पे सिर्फ एक ही जगह पे कर्फ्यू लगा हुआ है टोंक शहर के अंदर, जहाँ 3 अलग अलग पार्ट के अंदर वहां पे कर्फ्यू है और इसके अलावा किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत पूरे जिले के अंदर नहीं है। पूरी निगरानी रखी जा रही है, पूरा ध्यान रखा जा रहा है, सारे बॉर्डर पे अच्छे से चेकिंग की जा रही है जी। और वहां पे भी इन्हीं चीजों का, खास तौर से नरेगा और जो खाद्य आपूर्ति की जो चीजें हैं उनका ध्यान रखा जाए। साथ ही साथ एक रैंडम जांच करने के लिए कहा गया है कि जो लोग लगातार बाहर के लोगों के संपर्क में है, चाहे वो किराना व्यापारी हो, सब्जी के व्यापारी, वो पिकअप हो जो सब्जी लेके बाहर जा रही है, इस प्रकार की जो रूटीन की चीजें हैं जिनसे कहीं ना कहीं हमें आशंका रहती है कि बाहर से कुछ आ सकता है, तो उनकी जांच करने के निर्देश दिए गए। इसमें चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे इसके अंदर जो और हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी कर्मचारी हो, उनके भी कहीं ना कहीं जो लोगों के लगातार संपर्क में आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग और उनकी जांच के ऑर्डर दिए हैं कि जो एक रैंडम तरीके से करते रहें, खासतौर से ग्रामीण इलाकों के अंदर भी और शहरी इलाकों के अंदर भी। टोंक के अंदर काफी अच्छा काम किया है प्रशासन के द्वारा और सवाईमाधोपुर के अंदर भी, जो लगातार जैसे जो केस आए उनको तुरंत पूरी मॉनिटरिंग करते हुए पूरी वहां पे कर्फ्यू लगा के और उनको आगे बढ़ने से रोका है। यकीन, आज हम बात करें तो आज की तारीख में सब ठीक ठाक वहां पे स्थिति बनी हुई है। जी टीकाराम जी, एक और चीज है, क्योंकि हम सभी लोग प्रदेश के उस प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं जो कि मरु प्रदेश है, तो आने वाले दिनों में जहां पर गर्मी गहराएगी तो पेयजल की जो समस्या है वो यकीनन यहां पर उभरती है, तो किस प्रकार से आने वाले दिनों के लिए इस प्रकार की रणनीति बनाई जाए कि लोगों को तमाम मूलभूत आवश्यकताओं के साथ पेयजल की यहाँ पर किसी प्रकार से कोई भी परेशानी ना हो? पेयजल के लिए सभी कलेक्टर्स को 50-50 लाख रुपए का कंटिजेंसी का पैसा मंजूर कर दिया गया है और उसमें काम हो रहे हैं दोनों ही जिलों के अंदर।
और साथ के साथ जो पुरानी स्कीमें थी उनको जल्द पूरा करने के निर्देश दे दिए गए हैं। जो पूरा होना था टोंक के अंदर 56 में से 52 स्कीम लगभग कंप्लीट हैं, उसमें कहीं बिजली के डिमांड नोट जारी होने हैं उनके लिए निर्देश दे दिए हैं कि जल्दी उनको कंप्लीट कराया जाए। बाकी हम टोंक की बात करें तो बिसलपुर की वजह से काफी राहत जिले के अंदर है और बिसलपुर से जहां जहां सप्लाई है वहां कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसको मुस्तैद रहने के लिए कह दिया है। साथ के साथ हेडपंप मरम्मत का कार्य लगातार चलता रहे और लोगों को परेशानी नहीं आए, और जहां पे हम बोरिंग या ट्यूबवेल से पानी नहीं दे पा रहे हैं वहां पे टैंकर लगा के वहां पे पानी की सप्लाई के निर्देश दिए गए हैं। ये सप्लाई लगातार सुचारू रूप से चल भी रही है और आने वाले समय में जरूरत पड़ेगी तो इसको बढ़ाया भी जा सकता है। जी टीकाराम जी, एक और चीज है, लॉकडाउन 3 का आज 6ठा दिन है, तो जिस प्रकार से जो मजदूर तबके के लोग हैं, जो श्रमिक लोग हैं, उन्हें जितनी भी रोजगार की यहाँ समस्या आ रही है, मनरेगा का यहाँ पर एक उपाय सुझाया गया है आपके द्वारा, कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा श्रमिक इसमें जुड़े, तो किस प्रकार से ये कार्य और क्या प्रक्रिया रहेगी पूरी? देखिये, इसके लिए कोई भी व्यक्ति वहाँ का आवेदन कर सकता है अपने पंचायत के अंदर, अपने सरपंच को, अपने ग्राम विकास अधिकारी को, और उसको तुरंत काम दिया जाएगा, उसको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस चीज के निर्देश दे दिए गए हैं दोनों ही जिलों के अंदर, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक कानून है मनरेगा का, जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति जो काम चाहता है उसको रोजगार देना सरकार की जिम्मेदारी है। और ये कांग्रेस के समय में ही केंद्र के अंदर जब सरकार थी उस समय ये कानून बना था, और खास तौर से मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरे ग्रामीण इलाके में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट गया, बहुत लोगों की इससे आर्थिक हालत सुधरी है। और आज भी ऐसे समय में जहां सारी चीजें बंद है, ऐसे समय में अगर मनरेगा का कार्य चलता है और उसी गांव के अंदर व्यक्ति को रोजगार मिलता है तो वो उसके लिए के बड़ी आसानी है कि वो घर के अंदर ही, गांव के अंदर ही अपना रूटीन का काम कर सकता है, रूटीन में अपने आर्थिक आमदनी भी वो घर के लिए मुहैया करा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसके निर्देश दिए हैं, अधिक से अधिक काम स्वीकृत करने के निर्देश हैं। और कोई भी व्यक्ति, एक भी व्यक्ति दोनों जिलों के अंदर ऐसा नहीं बचे जो काम मांगे और उसको काम नहीं मिले। जी, हमसे बातचीत करने के लिए और हमारे साथ में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।